साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, क्या आपको मालूम है कि BSSC जो CGL लेवल का पोस्ट अभी जो वैकेंसीज आई है जिसमें 2248 पोस्ट है, इसका एग्जाम डेट कब होगा, उसका एग्जाम डेट कब आएगा? साथियों, अभी इसका जो भी ऑफिशियल डेट है वो तो अभी तक अपडेट नहीं आया है, लेकिन एक अनुमान के आधार पे एक्सपेक्टेड डेट आप कह सकते हैं कि सितंबर लास्ट तक इसका एग्जाम हो सकता है। बिकॉज आपको मालूम है कि अभी तो अगस्त शुरू हो चुकी है एंड अगस्त एंड सितंबर कुल मिला के 2 मंथ आपके पास बाकी है, और आप अगर आपका मिशन सिर्फ और सिर्फ BSSC CGL है तो अब आप तो सोना बंद ही कर दीजिए, अब तो आप सोशल मीडिया से दूर ही हो जाइए। मतलब कुछ भी अनवांटेड चीज़ नहीं करना है आपको। अभी एक बुक आई है रुक्मिणी प्रकाशन का, जो द प्लेटफॉर्म के द्वारा इशू किया जाता है, तो अगर आप चाहें तो उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। उसमें अभी 20 सेट दिए गए हैं और उसका ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, लगभग 160 और 150 के करीब उसका प्राइस है, और वह मार्केट में ऑलरेडी उपलब्ध हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो उस बुक को लें और उसको प्रैक्टिस करें। मैं ये बुक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस बुक का जो एक्सप्लेनेशन होता है प्रत्येक सेट के जो लास्ट में उसका दिया होता है डिक्लेरेशन, काफ़ी अच्छा होता है, और एक सवाल में ना जाने पाँच से सात सवाल आपका क्लियर हो जाता है, ना जाने कितना सारा सवाल क्लियर हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो उस बुक को ले सकते हैं, उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, और एवरी डे 1 सेट तो करना ही करना है, क्योंकि अब एग्जाम कभी भी लिया जा सकता है इन 2 महीनों के अंदर में। तो साथियों, अब जाग जाइए, अब आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जो भी कंप्लेन थी BSSC के खिलाफ वो सारी चीज़ें तो हो ही रही है। अभी जो 1778 कैंडिडेट का सवाल था कि अभी 13,120 पोस्ट के जगहों पे मात्र 11,329 कैंडिडेट को लिया गया, और 1778 कैंडिडेट के साथ BSSC कमीशन ने अन्याय कर दिया, और वो सिर्फ एक शब्द को कहकर कि इनमें योग्यता थी ही नहीं इस पोस्ट को लेने के लिए। तो साथियों, उसके लिए हमेशा लड़ाई जारी रहेगी और BSSC को ये रूल बदलना पड़ेगा। कई सारे कैंडिडेट ये बोल रहे थे कि किस रूल की बात कर रही हैं, किस परंपरा की बात कर रही हैं, कहीं पैटर्न तो नहीं चेंज हो रहा है? तो नहीं, उस पैटर्न की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस पैटर्न की, इस ट्रेडिशन की बात कर रही हूँ कि BSSC हमेशा से उन छात्रों को ही लेगी। एक बार जो मेरिट लिस्ट जारी कर दिया तो सेकेंड टाइम नहीं हो सकता है, थर्ड टाइम नहीं हो सकता, फोर्थ टाइम नहीं हो सकता है। मतलब ये कह देना कि इसके लिए योग्यतम कैंडिडेट ही नहीं मिला, जिस वजह से ये सीट वैकेंट रह जाएगी। तो इस परंपरा की तोड़ने की मैं बात की, और ये परंपरा वास्तव में तोड़ना ही पड़ेगा BSSC कमीशन को, क्योंकि ये सरासर गलत है। आप टू द टाइम आपने कुछ भी वैकेंसीज़ को फुलफिल नहीं किया, 10 साल हो चुके हैं, और 10 साल में कई सारे जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बावजूद आप उनकी इमोशन के साथ खेल रहे हो, उनका कोई भी, ये क्या है, मानवता है, इमोशन है? कमीशन हो, पुलिस सिस्टम हो, कोई भी विभाग हो, लेकिन सब कुछ बेस्ट जो मूल होता है उस पे ही आधारित होता है, और लोग वैसे ही, लोगों को सिलेक्शन मिलनी चाहिए। अभी लोग गलत तरीकों से जॉब में चले जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो वास्तव लोग, वास्तविकता से लोग होते हैं, वो निश्चित रूप से इनका इमोशन को समझेंगे, और निश्चित रूप से 1778 कैंडिडेट का भी बात को सुना जाएगा, उनको लिया जाएगा, और जो अभी 11,329 कैंडिडेट में से भी लगभग 9,000 के ही करीब लोग ज्वाइन करेंगे, 2,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो हैं जो नई पोस्ट को वो ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो इनके जगहों पर निश्चित रूप से अगला कैंडिडेट को चांस मिलने चाहिए, क्योंकि ये 10 साल की वैकेंसीज है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, एज भी नहीं है कि अब वो नेक्स्ट का प्रिपरेशन करें। कई सारे लोग का मैरिज नहीं हो रही है, शादियां नहीं हो रही है, लोग बड़े आसान शब्दों में कह देते हैं कि शादियां, मतलब तो सब कुछ कहीं ना कहीं आजकल जॉब से जुड़ा हुआ चीज़ होता है, और इस चीज़ को BSSC कमीशन को एक मानवता जरूर दिखानी चाहिए इस वैकेंसीज में, स्पेशली BSSC जो इंटरमीडिएट लेवल 2014 में जो वैकेंसीज आई 13,120 पोस्ट के लिए। तो साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें जरूर अपने विचारों को मेंशन कीजिएगा, ताकि हम आपसे रूबरू हो सके, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे आपके विचारों को जानने का मौका मिलता है। हर तरीके के लोगों को बस एक कमेंट के माध्यम से समझ पाती हूँ कि लोग इस संसार में किस तरीके से सोचते हैं, कैसे हैं, उनका विचार हो सकता है मेरे से आपका विचार अच्छा हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि, तो निश्चित रूप से ये आदान प्रदान की चीज़ें हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट करें। साथियों, थैंक यू वेरी मच।